सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए पुलिस चिट्टे का कारोबार खत्म करके उन लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज रही है। आज भी सोलन में दो युवकों को अलग अलग स्थानों पर चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नशा तस्करी में 18 से 24 आयु वर्ग के लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो खुद तो नशा करते ही हैं, साथ ही नशा बेचकर दूसरे युवाओं को भी इसमें धकेल रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में चिट्टे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब सोलन पुलिस जल्द मास्टर प्लान तैयार कर रही है ताकि युवाओं को इस नशे के दलदल में गिरने से बचाया जा सके। सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए पुलिस चिट्टे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे भेज रही है। आज भी सोलन में दो युवाओं को अलग अलग स्थानों पर चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नशा तस्करी में 18 से 24 वर्ष के युवा शामिल है, जो खुद तो इस नशे की गिरफ्त में है और साथ में वे और युवाओं को भी इस दलदल में धकेल रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में चिट्टे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोलन पुलिस जल्द मास्टर प्लान तैयार करेगी ताकि युवाओं को इस नशे की दलदल में गिरने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि आज दोहरी द्वाल पर आनी के युवक विकास सागर से 10.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं एक युवक जतन शर्मा गांव पथरागढ़ तहसील अर्की से भी 9.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इनके पास चिट्टे की खेप कहां से आई। पिछले कल लगभग 11 बजे शाम को यहां सोलन पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में दोहरी दीवार के पास हमारी एक पेट्रोलिंग टीम हेड कांस्टेबल पंकज की अगुवाई में मौजूद थी, तो एक व्यक्ति जो कि सप्रून से दोहरी दीवार की तरफ जा रहा था, पुलिस को अचानक देखकर हड़बड़ा गया और पीछे हटने लगा। जब शक होने पर उसको काबू किया गया और उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग में 10.94 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद हुआ। पूछने पर इस व्यक्ति ने अपना नाम विकास सागर बताया, जो कि 23 ईयर्स ओल्ड है और कुल्लू आनी का रहने वाला है। इस हीरोइन को कब्जा में ले लिया गया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। इसी तरह दोहरी दीवार के पास रात को लगभग 12:30 बजे हमारा एक नाका मौजूद था रूटीन ट्रैफिक चेकिंग के लिए। हेड कांस्टेबल नवीन इस नाके पे मौजूद थे, तो रात को 12:30 बजे के करीब एक व्यक्ति पुलिस के नाके को देख के, जो कि सप्रून से रेड लाइट की तरफ से दोहरी दीवार की तरफ जा रहा था, पीछे हटकर भागने लगा। उसको जब अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से काबू किया गया और उसके बैग की तलाशी ली गई तो इस व्यक्ति के पास भी 9 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुआ बैग में। इसको कब्जा में ले लिया गया है हेरोइन को, और इसने जो पूछने पर अपना नाम जतिन शर्मा बताया, जो कि दाला घाट का रहने वाला है, 19 साल इसकी एज है। इसको भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। मेरी लोगों से अपील है कि सोलन पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम है इसमें आगे आएं और इसको एक जो सामाजिक बुराई यहाँ पे फैल रही है सोसाइटी में, इसको दूर करने में आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, और आगे भी आप प्लीज़ पुलिस का सहयोग करिए और जितने भी आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको शेयर करिए।